अंगूठी को देखती है, बार बार अंगूठी। हमारे जो रामलीला करने वाले आते हैं ना रामलीला में, वो इस प्रसंग पर बड़ा कारुण्य कुंड के पास इसका विषय रहता है। जानकी जी रोती जा रही है और अंगूठी से पूछ रही है, अंगूठी मोही सांच बताए दे कहां छोड़े लक्ष्मण राम, अंगूठी मोही सांच बताए दे कहां छोड़े लक्ष्मण राम, छोड़े री मैंने जनक पूरी धरना, छोड़े री मैंने जनक। एक एक घटना जानिए जिनको याद आए, ये सब राजन के मान, मारे दिए सब राजन के मान, धनुष के तोड़न हारे वहीं छोड़े लक्ष्मण राम, धनुष के याद आने लगी जानकी जी को, जैसे कोई सिनेमा की रील आंखों के सामने आ गई हो। रो रो कर पूछती है, हनुमान जी ने ऊपर से पहले राम कथा सुनाई, जानकी जी को थोड़ा सुख मिला और कहा कि जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो छुप कर क्यों बैठा है, प्रकट क्यों नहीं होता, इतना कहना था। तब हनुमंत निकट चल गए हो, जानकी जी मुंह फेर कर बैठ गई। हनुमान जी ने कहा, माँ मेरी ओर देखो तो सही, ये मुद्रिका मैं लेकर आया हूँ। तो जानकी जी का, नहीं मैं तुमको पहचानती नहीं, मैं कैसे मानूं कि तुम राम जी के निकट रहने वाले हो, मैंने तो तुमको कभी देखा नहीं। जानकी जी ने कह दिया, हम जानते नहीं पहचानते नहीं, महावीर मोदेरी कहाँ पाई, हम जानते नहीं, ये मुद्रिका तुम्हारे कहाँ पाई।
न सरयू के किनारे, न अवध में देखा, न चित्रकूट में, न मंदाकिनी के किनारे देखा, न पंचवटी में देखा। उसके बाद तो बिछोड़ना हो गया, उसके बाद तो हम दोनों इधर उधर हो गए, बिछो हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। ये बताओ तुम कैसे मिले नर बानर संग कौ कैसे, तुमके तुम्हारे हाथ में मुद्रिका कैसे आ गई, मैं कैसे पहचानूं। बोले मैं आपको माँ कहकर बोल रहा हूँ। बोले नहीं, मुझे माँ शब्द पर भरोसा नहीं रहा। क्यों? माँ तो बड़ा पूज्य शब्द। बोले है, पूज्य है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो चुका है। कैसे? बोले रावण जब मेरा अपहरण करने आया था, उसने पहले माँ कहकर प्रणाम किया था। माँ शब्द से मेरा भरोसा। तब हनुमान जी को भगवान की बात याद आ गई। भगवान ने कहा था, हनुमान जानकी जी कभी पर पुरुष की ओर आंख उठाकर देखती नहीं है, हो सकता है तुमसे बात न करें, हो सकता है तुमको न पहचान पाए, तो तुम करुणा निधान शब्द बोलना तो जानकी जी तुमको मान लें। जानकी जी भगवान को एजी ओजी करके नहीं बुलाया करती थी, करुणा निधान। जानकी जी भगवान को करुणा नहीं, ये जो बहन लोग बैठी हैं बताओ, करुणा निधान नाम भगवान का किस पंडित जी ने रखा था? मनु जाहि राजे मिल सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजान शील। हनुमान जी को याद आ गई, प्रभु ने कहा था करुणा निधान शब्द। उसी समय हनुमान जी बोल पड़े, राम दूत में बात जाने की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं उनका दास हूं, हनुमान मेरा नाम है, ये मुद्रिका मैं लाया हूं। जैसे ही करुणानिधान शब्द सुना तो कपि के वचन से प्रेम सुने और उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह मेरे कृपा सिंधु। तो निश्चित मेरे प्रभु का बिल्कुल अंतरंग का व्यक्ति। और इतना रोई है जानकी जी। देखो कोई बहुत दुख में डूबा हो, बहुत दुख में गुमसुम बैठा हो, डूबा हो, और अचानक उसका कोई अति प्रियजन आ जाए तो क्या करता, बोल नहीं पाता, हिलकी भर के रोना शुरू कर देता है। जानकी जी की वही दशा हो।
बंद गई बाकी है आंखों से आंसू की धारा। मेरे प्रभु तो कोमल चित कृपाल रघुराई, बहुत कोमल, वो तो किसी दूसरे के दुख को सुन भी नहीं सकते थे, द्रवित हो जाते थे। अरे बानर, वो किस कारण इतने कठोर हो गए? क्या प्रभु ने मुझे पूरी तरह से बिसार दिया? अब किसी बेटे के सामने और समर्थ बेटे के सामने उसकी माँ दुख में रो रही हो, बेटे क्या बीतती होगी, कल्पना। अब यहाँ हनुमान जी ने बड़े विवेक से काम लिया। अगर हनुमान जी भी रोना शुरू कर देते तो जानकी जी का दुखड़ा दूना हो जाता। और ये नियम है, अगर कोई दुख में रो रहा है तो आप मत रोइए, उस समय धैर्य दीजिए, नहीं नहीं रो मत, घबराओ मत, भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता करने की आवश्यक, उसको बचाइए, उसको धैर्य दीजिए। तो हनुमान जी का हृदय तो रो रहा है, लेकिन भीतर से थोड़े से हनुमान जी ने अपने को थोड़ा कठोर किया। बोले, नहीं माँ, भगवान ने आपको नहीं बिसारा है तो आपने भगवान की महिमा को बिसार दिया है। जानकी जी ने कहा, कैसे? बोले, अगर आपको भगवान की महिमा पर भरोसा होता तो आप चिता बनाकर जलने के लिए अग्नि नहीं मांगती। इसका अर्थ है कि आप ये मान चुकी थी कि अब भगवान आपको कभी नहीं यहां से निकाल पाएंगे, तभी तो आप जलने की बात कर रहे थे। बोले, नहीं, भगवान ने मुझे बिसार दिया। हनुमान जी ने कहा, आपके पास क्या तर्क है? मां ने कहा, जयंत ने मेरे चरणों में जरा सी चौंच मारी थी, कोई बड़ा पाप नहीं किया था, माँ के चरणों में ही आया था, तो भगवान इतने क्रोधावेश में आ गए थे कि भगवान ने सींक धनुष सायक संधाना, तिनके के धनुष बाण बनाकर जयंत के पीछे बाण छोड़ दिया था, और रावण भरी दोपहरी में मेरा अपहरण करके ले आया और मुझे कैद कर रखा है, मैं दुख भोग रही हूँ, रावण चैन से टीवी देख रहा है और भगवान ने अभी तक कोई बाण नहीं चलाया मेरी रक्षा के लिए। हनुमान जी ने कहा, माँ, जयंत के लिए तो केवल तिनके का बाण चलाया था उन्होंने, आपके लिए तो बहुत तगड़ा बाण भेजा है रक्षा के लिए। तगड़ा कौन सा? बोले, मैं हूं ना जिमी अमोघ रघुपति कर मारा, भांति चले मुझे भेजा है ना, जिमी अमोघ रघुपति कर भगवान ने बाण बनाकर भेजा है कि नहीं? और सुनो, आपको भी अनुभव हो चुका था कि रघुवीर का बाण आ चुका है लंका में, तभी तो आपने रावण को डांट कर कहा था, खलसुद नहीं रघुवीर बाण की, क्योंकि आपको अनुभूति हो चुकी थी कि बाण आ चुका है। इसके बाद भी आप रो रही हैं, उसका कारण है। कारण क्या है? बोले, मां, संकट मनुष्य की आंखों के सामने रहता है, दिखाई देता है, और भगवान की कृपा सिर के ऊपर रहती है, दिखाई नहीं देती। संकट दिखाई देता है इसलिए रोता है, कृपा सिर के ऊपर दिखाई नहीं देती इसलिए मनुष्य को भरोसा नहीं होता, लेकिन संकट बाद में आता है मनुष्य पर, भगवान की कृपा पहले आकर बैठ जाया करती है। भगवान कभी किसी को घोट कर नहीं मारता, अगर एक गेट बंद करने वाला है उससे पहले पीछे की खिड़की खुलवा देता है। और आपके अनुभव होंगे, घर में अगर कोई मौत होने वाली है
तो मौत होने से पहले बहू के पेट में बालक आ जाता है, ये नियम। घर में कोई ना कोई बच्चे के जन्म होने की स्थिति आ जाया करती है। अगर व्यापार में बड़ा भारी घाटा आने वाला है तो जो हमसे कर्जा लेकर चला गया था और जिसके लौटने की कोई संभावना नहीं थी, वो बिना मांगे कई बार देने आ जाता है। घाटा बाद में होता है, रुपया पहले आ जाया करता है। संकट बाद में आता है, कृपा पहले आ जाती है। चूंकि हमारा भजन में प्रवेश नहीं है, इसलिए हम कृपा की अनुभूति नहीं कर पाते। संकट आंखों के सामने रहता है, उसके लिए रोते रहते हैं। माँ धैर्य रखो, भगवान आएंगे। तो जानकी जी तो इतनी प्रसन्न हो गई कि हनुमान मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं। आशीष दीने राम प्रिय जान, आशीष दीने राम प्रिय जान, हो तात पर शील निधान, हो तात सब गाइए पीछे तक सब गाइए। दे दिया, अजर हो जाए, अमर हो जाए, सद्गुणों की खान हो जाए, अष्ट सिद्धि नवनिधियों का प्रदाता हो जाए। जब पूरे आशीर्वाद मिल गए, आशीष तब अमोघ विख्याता, तो हनुमान जी ने कुछ बोलना शुरू किया। माँ वैसे तो मैं तुम्हें अभी पीठ पर बिठा कर ले जाता, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिल सहित आई है रघुवीरा, निश्चर मार तोई ले जई है, त्यूपुर नार दाद यश गई है। कुछ दिन धैर्य रखो मैया, बानरों के साथ भगवान आएंगे, सब राक्षसों को मारकर तुमको यश के सहित लेकर जाएंगे। हनुमान जी छोटे से तो थे ही, अति लघु रूप धरे हुए हनुमान था। तो जानकी जी ने सोचा ये बंदर है तो पिद्दी सा, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, बड़बोला लगता है, ज़्यादा बातें करता है। तो जानकी जी ने पूछा, हनुमान एक बात बता भैया। क्या माँ? बोले भगवान के साथ सेना में जितने बंदर हैं वो सब तुम्हारे जैसे हैं कि तुमसे कुछ तगड़े भी हैं? हनुमान जी ने कहा, मम्मी जितने बंदर हैं उनमें सबसे तगड़े हम ही हैं, बाकी सब हम तो छोटे। तो जानकी जी ने कहा, तो हो गई हमारी मुक्ति, जाओ फिर अपना काम कर, हो गई। तुम इतने पिद्दी से और रावण कहाँ, पद पाताल शीशस धामा है? तो हनुमान जी ने कहा कि आपको कुछ संदेह है? कहाँ, मोरे हृदय परम संदेह। क्या संदेह? बोले जात धान अति भट बलवाना, इतने बड़े बड़े राक्षस और तू बालक सा कैसे मारोगे इनको? और जैसे ही कहा कि मुझे परम संदेह है, हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, एकदम कनक भूधराकार शरीरा समोर भयंकर, बहुत विशाल हनुमान जी हो गए। माने कहा बस छोटा हो जाए। तो माने कहा, जब तू इतना बड़ा हो सकता था तो मेरे सामने फिर तू छोटा क्यों दिखाई दे रहा था? हनुमान जी ने कहा, माँ बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ को हमेशा छोटा ही दिखाई देता है, बालक ही दिखाई देता है, कभी दिखाई देता ही नहीं। और हनुमान जी कहना चाहते हैं, दुनिया के सामने बड़े बनकर जाना, माँ के सामने हमेशा बालक बनकर ही रहोगे तो सिर पर हाथ रहेगा, माँ का आशीर्वाद मिले। कभी माँ के सामने बड़े बनने की कोशिश मत करना, माँ के सामने छोटे। अब मम्मी बड़ी जोर की भूख लगी, भूख लगी है? कब को भूख हो? बोले जादन पैदा भयो बैदन ते भूख लगी, सूर्य निगल में चलो। बोले फल तो बहुत हैं लेकिन रक्षक बहुत हैं। बोले तिनकर भय माता मोइनाई, इनकी चिंता कुछ नहीं है, मुझे बस नेक आज्ञा दे दे,
फिर मैं तुझे दिखा दूं और दुनिया को बता दूं कि शाकाहारी में ताकत ज्यादा होती है कि मांसाहारी में ताकत ज्यादा होती है, आज दुनिया को पता चल जाएगा। बोले जा, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ, भगवान का भोग लगाकर। फल क्या खाले दिन को, तो फल का फल देना था। वाटिका उजाड़ने लगे, रक्षकों को रक्षक मर्द मर्द में डारे, हाहाकार मच गया। रावण ने अक्षय कुमार भेजा, अक्षय का वध किया। बाद में मेघनाथ आया और नागपाश आदि में मूर्छित करे के बांध के ले गया हनुमान जी को। रावण के दरबार में काजल का पहाड़ जैसे सोने के सिंहासन पर बैठा हो। अब देखो कितनी बदतमीजी की भाषा बोलता है रावण। ए बंदर, ए मूर्ख, ए जड़, ए सठ, मरना चाहता है क्या? हनुमान जी ने हाथ जोड़ कर कहा, मरने मरने की बात मत करे, मैं तुझे सिखावन देने आया हूँ। जानकी जी को वापस कर दे, अपने कुल का विचार करो। उत्तम कुल पुलस्तकर नाते, निज जिस कुल में तुमने जन्म लिया है उसको याद करो। रावण ने कहा, मरना चाहता है क्या? तू ही हमें गुरु बन के आया है, मिला हमें कभी गुरु बन गया नहीं। देखो गुरु की महिमा देखो यहाँ। नालायक से नालायक शिष्य को भी गुरु अंत समय तक बचाने की कोशिश करते हैं, अंत समय तक उसके प्रति सद्भाव रखते हैं। हनुमान जी रावण के गुरु हैं, चूंकि शंकर जी के अवतार हैं और शंकर जी रावण के गुरु हैं। हनुमान जी बंध कर भी आए हैं रावण के बंधन खोलने के लिए, अपमानित होकर भी हनुमान जी रावण को बचाना चाहते हैं। लेकिन जब गुरु को ही कह रहा है कि मरना चाहता है क्या, तो हनुमान जी का मुझे तो लगता है उल्टा हो या कह हनुमान, अब तो लगता तीर, अब रावण के दरबार में और कोई रावण को चुनौती दे दी। तो रावण ने कहा, एक सेवक को जा मौत को खोल के लाओ। आपको मालूम है रावण की पार्टी से काल बंधा रहता था। ओहो हटोगी बाबा जी, बैठे स्वागत, बड़ी कृपा की। तो आपको मालूम है कि रावण की चारपाई से उसकी पार्टी से काल बंधा रहता था। तो रावण ने एक सेवक को कहा, जाओ काल खोल के लाओ, मौत को खोल लाओ। मौत को बुला लिया गया और हनुमान जी के बगल में आगे खड़ा कर दिया गया। रावण का, ये बंदर मेरे को क्या देखता है, उधर देख, मृत्यु निकट आई खलतोई। और जब दो तीन बार रावण ने कहा तो हनुमान जी ने कनखियों से देखा, वहां खड़ी तो है, खड़ी तो है। तो रावण ने कहा, तेरी बगल में मौत खड़ी है, तुझे डर नहीं लग रहा है? बोले बिल्कुल नहीं लग रहा है। अरे पगले, पड़ोस में कोई मौत हो जाती तो डर लगता है, और तेरी तो बगल में आके खड़ी हो गई है तो अभी डर नहीं लग रहा है? हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। बोले क्यों? हनुमान जी ने कहा, खड़ी तो मेरी बगल में पर देख रही है तेरी हो रही है, खड़ी तो मेरे पास है देख रही है तेरी हो। तो रावण ने कहा कि अगर मेरी ओर देख रही है तो मेरे पास आना चाहिए था, उसे तेरे पास काहे के लिए गई है? बोले पूछने आई है। हनुमान जी, रावण का काम अभी करना है कि कुछ बाद में करना है? रावण तो ऐसा तिलमिला गया, बोले बंदर बहुत वाचाल है, इसको मारो। विभीषण खड़े हो गए, नहीं नीत विरोध न मारिए दूता। भगवान की कृपा, रावण के भी दरबार में पहले पहुंच चुकी है। मारने वाले बाद में खड़े हुए, विभीषण जी रक्षा के लिए पहले पहुंच गए। विभीषण ने कहा, ऐसा करो इसकी पूछ में आग लगा दो। बंदर की पूछ पर ममता बहुत होती है, जब जली पूछ लेकर जाएगा तो स्वामी को लाएगा, फिर जो चाहो सो करना। रावण तो गदगद हो गया, वाह रे विभीषण, लगता है विधाता ने सारी बुद्धि तुझे ही दे दी। मुनादी करा दो लंका में, सब लोग अपने अपने घरों से घी तेल रुई कपड़ा डुबो डुबो के लाएं और बंदर की पूछ में लपेटो आग लगाओ। और जब आज्ञा हो गई, हनुमान जी खड़े खड़े मुस्करा रहे, जय हो भगवान, आपकी लीला का पार आपके अलावा कोई नहीं पा सकता। जब त्रिजटा ने कहा था कि बंदर लंका जलाएगा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे जलाऊंगा, कहाँ से तो मिट्टी का तेल लाऊंगा, कहाँ से माचिस लाऊंगा, कहाँ से रुई कपड़ा लाऊंगा, लेकिन जय हो भगवान, लंका भी रावण की जलवाओगे और जलाने की सारी व्यवस्था भी रावण से ही करवाएंगे। और लोग दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। देखो लोग शुभ काम के लिए ही चंदा नहीं देते, दूसरे को जलाने के लिए और बर्बाद करने के लिए भी चंदा देते, ले जाओ करो इसको नष्ट, बहुत ज्यादा उछल के घूमता था। और दौड़ कर आ रहे, और क्या स्थिति हो गई, रहान नगर बसन घृत तेला। हनुमान जी ने पूछ बढ़ा दी, पूछ कहते हैं प्रतिष्ठा को। ये दुष्ट लोग संतों की प्रतिष्ठा को जलाना चाहते हैं,
कोशिश बहुत करते हैं लेकिन संतों की प्रतिष्ठा जलती नहीं है और ज्यादा बढ़ जाती है। बाढ़ी पूछ की न कभी बचान तेल बचान कपड़ा बचान। मूर्खों को इतनी भी समझ में नहीं आई कि शाम को सब्जी छौंकने लायक तो तेल रख लेते हैं। कल गणेश चौथ है, दीपक जलाना है, आरती उतारनी है गणेश जी की, थोड़ा तो घी रख लेते। और किसी के घर में कपड़ा नहीं बचा एक भी, रहान बसन एक भी। इनको इतनी भी अकल नहीं आई, अरे कम से कम अंडरवियर बनियान तो छोड़ जाते, नहा के क्या बदलोगे। हनुमान जी ने मन मन में सोचा चिंता मत करो, अब कपड़े बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधी काया बदलवाऊंगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं, बहुत तुमने कपड़े पहन लिए। और यहाँ से सागर के किनारे लाकर हनुमान जी की पूछ में जैसे आग लगाई, हनुमान जी ने जय श्री राम का नाम किया, इस अटारी से उस अटारी पर, इस अटारी से उस, पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। बचाओ बचाओ भागो भागो, स्त्री पुरुष बूढ़े बाढ़ सांप रोने लगे, कोई राम नाम का कीर्तन कर रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, हाहाकार मच गया। रावण के दरबार में लोग पहुंचे, महाराज बचाओ रक्षा करो, सारा नगर जल के राख हो जाएगा। रावण ने मेघनाथ को कहा, मेघनाथ जरा इंद्र को फोन करके फटाफट बुलाओ, काले काले मेघ लेकर घनघोर वर्षा करे। और जैसे ही मेघनाथ का फोन इंद्र पर गया, इंद्र काली काली घटाएं लेकर गर्जना करते आकाश में आ गया। काली घटाएं, बिजली कड़कने लगी, ठंडी हवाएं, बूंदे गिरने लगी, सूर्यास्त हो गया। हनुमान जी ने देखा भरी दोपहर में सूर्यास्त कैसे, ठंडी हवाएं कैसे, बिजली कैसे चमक। देखा इंद्र ऊपर खड़ा हुआ है बादल मेघ लेकर। हनुमान जी का गुस्सा और बढ़ गया, बोले इंद्र के बच्चे रावण को तो पीछे बताऊंगा, तेरी बुद्धि बिगड़ी है। कल तक राम जी से रोता था कि रक्षा करो रावण से, और आज भगवान के काम में विक्षेप करने आया, तेरी अकल मारे। इंद्र धीरे से बोला, हनुमान जी चिंता मत करो, बादल तो लेकर आया हूं पर बादलों में पानी नहीं है, पेट्रोल भरकर लाया हूं, फटाफट काम पूरा करो। देर कर और उलटी पुलटी लंका सजाई, उलटी पुलटी लंका सजाई, उलटी पुलटी लंका सजाई, उलटी लंका को जलाकर राख कर दिया। केवल एक घर छोड़ा, एक विभीषण कर ग्रह नाई। किसी ने गोस्वामी जी महाराज से पूछा कि विभीषण का घर क्यों छोड़ दिया, तो गोस्वामी जी ने कहा कि भैया त्रेता युग में भाई भाई के घर को नहीं जलाया करता था, ये तो कलयुग आ गया कि भैया कोई उजाड़ने में लगे हैं। और दूसरे एक भंडारे का नियम है, जिस गाँव में जिस गली में मोहल्ले में कॉलोनी में भंडारा होता है, घरों से सामान आता है, कोई आटा देता है, कोई सूजी, कोई घी, कोई चीनी, कोई सब्जी, कोई मसाले, भंडारा होता है। फिर जो प्रसाद बच जाता है तो भंडारा कमेटी के लोग प्रसाद लेकर उन उन घरों में जाते हैं जिन जिन घरों से सहायता आई थी, आपके सहयोग से भंडारा बहुत अच्छा हो गया, लीजिए प्रसाद लीजिए। इस लंका के अग्नि यज्ञ भंडारे में हर घर से सामान आया, कोई घी लाया, कोई तेल लाया, कोई रुई लाया, कोई कपड़ा लाया। तो हनुमान जी ने घर घर जाकर प्रसाद दिया है, कोई रह न जाए। विभीषण के यहाँ से कोई सामान नहीं आया, तो हनुमान जी ने कहा जब सामान नहीं दिया तो प्रसाद का ही बात करेगा, चट जब सामान नहीं दिया तो। और पूछ बुझाए खोए श्रम धर लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर जोर। माँ को जाकर जब प्रणाम किया तो माँ ने कहा हनुमान ये क्या हाहाकार मच रहा था, लपटे अग्नि की धुआं, बचाओ बचाओ। बोले माँ नगर बहुत बड़े बड़े हो गए, जर क्या क्या होते रहता है कुछ पता ही नहीं लगता है। बोले नहीं, जब से तू आया है तभी से हुआ है, सच बता। जब सच कहा तो हनुमान जी का, सच तो ये माँ ये तो तेरे बेटे का ही कमाल है, और सुन माँ ये तो मैंने ट्रेलर दिखाया है, असली फिल्म तो महीने भर बाद रिलीज होगी।
ये तो मैंने नमूना दिखाया है, असली सर्कस तो एक। और अब माँ तुम ही दीजे कछु जीना, माँ तुम ही दीजे कछु जीना, जैसे रघुनायक मोही दी सब का, जैसे रघुनायक मोही दीना, चूड़ा मन उतारी कब प्रतीक्षा करते होंगे, कोई चिन्ह दो। माँ ने चूड़ामन उतार कर दिया है, माँ को प्रणाम कर हनुमान जी चले। सागर के इस किनारे आए, बानरों ने जय जयकार की, प्रभु के पास सब आए हैं। हनुमान जी ने चूड़ामन देकर कहा, प्रभु ये लीजिए। चल तुम ही चूड़ामन रघुपति हृदय लाई सोई दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई दीनी, नाथ चुगल लोचन भरी भारी, नाथ चुगल लोचन भरी भारी, वचन कहे प्रभु। बार बार हृदय से लगाते हैं, नेत्रों से स्पर्श करते हैं। आज चूड़ामणि के रूप में जैसे जानकी जी का नया अवतार हो गया हो। हनुमान जी ने बहुत माँ के बड़ी दुख भरी कथा जब सुनाई, सुन सीता दुख प्रभ सुख आयना, भरे आए जल राजीव न, प्रभु मुझसे ज्यादा मत बुलवाओ, ये बानर आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। अगर मैं सीता जी के दुख का वर्णन करने लग जाऊं, एक भी बानर आपके साथ खड़ा नहीं होगा। सब सोचेंगे कि जो राम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, वो हमारी क्या रक्षा कर पाएंगे। महाराज बस इसी में आपकी भलाई है कि मुझसे बुलवाइए मत। भगवान आवेश में आकर सुग्रीव से बोला, ए सुग्रीव अब किस बात की देर करते हो, सेना को आदेश दो चलो लंका की ओर। अब विलंब के कारण स्थान किया। जानकी जी को मंगल शकुन होने लगे, जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयो रावण ही सोई। मैं बहुत थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूँ, चूंकि मुझे बहुत आगे तक जाना है आज, बिल्कुल रावण से दो दो हाथ करके तभी रुकूंगा, ठीक है। इधर थोड़ी बाएं बाएं चढ़ा के तैयार रहो, सबका सहारा चाहिए ना, सब बानर ही तो बैठे हो, और कौन बैठे हो। इधर लंका की दशा का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सारे लंका के नागरिक चिंतित हैं। जबते जार गयो कपि लंका, निज निज गृह सब करें बिचारा, न किसी को नींद आती है न किसी को भूख लगती है, सेवक आया था सारी लंका को जला गया, स्वामी आएगा तो क्या होगा। इधर जब सेवकों ने जासूसों ने समाचार दिया राजसभा में कि सेना सागर के उस किनारे आ गई,
आज लोकसभा राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, विरोधियों ने भी कहा कि नहीं साहब पहले इस पर बहस हो। आज पूरा इसका टीवी प्रसारण हुआ लंका में, इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ है इस सभा का। विभीषण खड़े होकर बोले, भैया तात राम नहीं नरभूपाला, भुवनेश्वर काल हुकर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनाद अनंता, गोद्विज धैन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। इस ये सामान्य मनुष्य नहीं है, अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम हैं। ये भूभार हरण करने के लिए मानव लीला करने आए हैं। तासों तात बैर नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। वैसे तो मुझे बहुत प्यार करते हो, मेरी कभी बात टालते नहीं। मैं कहता हूँ कि जानकी जी को वापस एक लात मारी। एक लात खाने के बाद फिर रावण के पैर पकड़ लिया। एक आधा बार तो आदमी, अरे कोई बात नहीं, वो नारद जी की कथा आती है ना कि एक बूढ़े सज्जन रो रहे थे, नारद जी बोले क्या बात है, बोले नारद जी हमें उठवाओ, हमारे बस की ना है, बड़ो बुरी बुरी सुननी पड़े। बोले ठीक है भगवान से पूछता हूँ। तब तक इनके घर में एक पोता हो गया। फिर नारद जी आके बोले हाँ भगवान ने कहा है कि ले आ, बोले अभी पोता हुआ है छोटा, ये मेरी गोद में ही राजी रहता है, तो जरा समर्थ हो जाए तब चलेंगे। बोले ठीक है। फिर दो साल बाद नारद जी आ गए, फिर एक पोता और था, दोनों को बुड्ढा खिला रहा था। तो फिर नारद जी कुछ दिनों के बाद आए, तो फिर देखा कि एक तीसरा बच्चा और दो गोद में बैठे, और एक को ऐसे बुड्ढा गोद में लिए ऐसे खिला रहा था, मुन्ना मुन्ना मुन्ना। तो मुन्ना ने ऊपर से टोंटी खोल दी, तो ऐसे ऐसे कर रहा था, तो आ गया मुंह में। तो नारद जी ने कहा अरे बाबा अभी इतनी दुर्दशा तुम्हारी हो रही है, अब तो चलो। तो एकदम बुड्ढा अकड़ के बोला, नारद जी तुम्हें मैं ही मिलो, कोई और ना मिलो, तीसरे दिन यहीं आके खड़े हो जाते हो, अरे तुम्हारे मुंह में पेशाब कर रहा है, तुमको शर्म नहीं आ रही? बुड्ढा बोला तुमको लगता होगा पेशाब पौत्र का मूत्र प्रयाग का पानी होता है, तुम ये तो भाग्यशाली को मिलता, चल यहां से। आ गया बीणा बजा। तो बुड्ढे का स्वभाव होता है, नहीं छोड़ता, लात खाकर भी फिर पैर पकड़ लिए। तुम पे तो सरिस भले ही मोई मारा, बड़ा भैया पिता के समान होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जानकी जी को वापस कर दो। दूसरी बार कहा, दो लात मारी, निकल यहां से। जब दूसरी लात लगी तो विभीषण जी को हनुमान जी की कल की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था तू मेरा भैया है, तब हनुमंत कहा सुन भरा था, मैंने असली भाई की बात को ठुकरा दिया और पाप की ठोकर खाने को बैठ गया। उसी समय निर्णय कर लिया, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वशतोर, मैं रघुवीर शरण। अब यहाँ से विभीषण तो भगवान की शरण में आ गए, सभा विसर्जित हो। इस लाइव टेलीकास्ट को मंदोदरी भी देख रही थी, और जब लात मारी देवर जी को तो मंदोदरी भी तिलमिलाई बैठी थी कि मुन्नू के पापा को आज आने दो। रावण गुस्से में धम्म धम्म करते आए, ए मंदोदरी एक कप कॉफी ले आओ। मंदोदरी ने कहा अकड़ गाय को रहे हो, लाल लाल क्यों हो रहे? बोले आज विभीषण ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बोले दिमाग खराब नहीं किया है, तुम्हारा दिमाग पहले से खराब था, मेरा खुद यहां हो रहा है तुमको देखकर। और उन्होंने क्या गलत कहा था? उन्होंने यही तो कहा था कि राम सामान्य मनुष्य नहीं है, सीता जी को वापस कर दो। और यही मैं कह रही हूं, तुमको मालूम है तुम जिनका हरण करके लाए वो हैं कौन? रावण बोला कौन है? बोले सुन लो, रघुवर की सिया हरी लाए रे मति मारी गई रे भरतार, भरारे मति मंदोदरी कह रहे भरतार, रघुवर की ये तुम्हारी नहीं है तो रघुवर की है, रे मति मारी गई रे भरतार, भरारे मति मारी गई रे भरतार। तीन लोक के नाथ राम से बैर बढ़ायो सैया, कर दे राम लखन दो भैया मति मारी।
सिंधु लांग कर कैसे आए ये तुमको अभिमान, सिंधु लांग कर कैसे आए यही तो घमंड है अभिमान। अरे सिंधु लांग कर कैसे आए ये तुमको अभिमान, सिंधु लार कर कैसे आए ये तो सुन ले तुमको अभिमान। अरे सूख जाए पाताल लोक जब छोड़े अग्नि बाण मति मार गई रे साधारण नारी। शक्ति मंदोदरी कह रहा है नहीं साधारण नारी, अरे शक्ति का अवतार सिया है नहीं साधारण नारी, शक्ति का अवतार सिया है नहीं साधारण नारी। और कहाँ गयो बल गर्व तेरो जब बानर लंका जारी, तो रावण जो कॉफी का कप यहां तक ले आया था बिना घूंट भरे रख दिया। बोले क्या ऐसी बात है क्या? बोले हाँ और क्या, मैं कोई झूठ बोल रही हूं क्या? तो रावण ने कहा कि मुन्नू की मम्मी अब मेरी तो बुद्धि काम कर नहीं रही, अब तू बता क्या कर, जो तू कहे सो करूं। मंदोदर ने कहा एक ही काम करो। क्या? बोले सीता को ले जाओ नाथ रघुवर की शरण पधारो, सीता को ले की शरण पधारो, सीता को ले जाओ नाथ रघुवर की शरण पधारो। और शरणागत के रक्षक हैं बच जाए गो वंश तिहारो, मति मारी गई रे भरतार भरारे, मति मारी गई रे भरतार रघुवर की सिया हरी लाए, मति मारी मंदोदरी जी ने कहा कि सीता जी को वापस गए एक दफा है, मैं तो समझता था तू पढ़े लिखे बाप की बेटी है, मेरठ में तूने बड़ी पढ़ाई की होगी, वो महामूर्ख है उसे तू भगवान कहती है, सामान्य मनुष्य की भी उसको अकल नहीं है, जिसको इतनी बुद्धि नहीं है कि सोने का मृग नहीं हुआ करता, सोने के मृग के चक्कर में दौड़ गया। अरे जिसको कुछ होता बाप घर से निकालता है। चल कॉफी गर्म करके ला। मंदोदरी रसोई में नहीं गई, सीधे ड्रेसिंग रूम में गई और सारे जेवर उतार दिए। बोले विधवा होंगी तो बाद में ले, मैं तो सुहाग पहले उतारे दे रही मर। इधर सेना सागर के किनारे पहुंची, भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की। एक बार जय जयकार कर लीजिए बस, बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। पुल बना नल नील के माध्यम से, सेना ने लंका में प्रवेश किया। भगवान ने यहाँ से अंगद जी को कहा कि अंगद एक बार देख लो भैया, बातचीत करके बिना लड़ाई के कुछ बात बन जाए तो, काज हमार तास हित होई। तो अंगद जी चले हैं, प्रातःकाल का समय, समुद्र में से कोहरा उठ रहा था, राक्षस आ रहे थे समुद्र के किनारे मछली मछली पकड़ने के लिए, अंधेरे में दिखाई कुछ नहीं दिया, मोटा सा बंदर आते दिखाई दिया। लौट गए, दौड़ पड़े, भागो भागो बचाओ बचाओ, खिड़की दरवाजे बंद करो, लाइट बुझाओ, क्या हुआ? बोले भयउ कोलाहल नगर मधारी, जो
लंका जलाकर स्त्रियां रोने लग रहे, रावण तेरो सत्यानाश ही जहियो, अब कोई नहीं बचा पाए। अच्छा, जो भागने से रह गए, जो भाग नहीं पाए, तो वो माजरा समझ नहीं पाए। जैसे उन्होंने पास जाकर देखा, अरे बंदर, तो एकदम जिधर अंगद जी देखते हैं वही धरती पे पछाड़ का गए। जय बिलो कि सोई जाए सुखाई, लंबे लंबे प्रणाम। अंगद जी समझ गए कि ये प्रणाम मुझे नहीं हो रहा है, हनुमान जी के मुक्के को हो रहा है। अंगद जी ने किसी से रावण का घर नहीं पूछा, बिन पूछे मग दे दिखाई, सरकार ऐसे सीधे चले जाना, वहां तक हम तो जाएंगे नहीं, फिर दाएं मुड़ना, फिर तिराए से बाएं, और सामने बड़े से गेट में सौरा हुक्का पी रहा होगा, मारी डालना, छोड़ना होगा, नाक में दम कर दी, बिन पूछे मग दे दिखाई। रावण के दरबार में अंगद जी बैठा है आसन पर। ये मूर्ख भक्त को आसन नहीं देता, रे दुश्मन को भी आसन देना चाहिए अगर अपने द्वार पर आया। अंगद जी ने कहा, रावण वैसे तो तू मरने ही वाला है, लेकिन चूंकि तू मेरे पिताजी का मित्र रहा है, इसलिए मैं सोच रहा था एक बार समझा के देख लूं। बच्चे, मित्र हमारा कौन मित्र है बे, हमारे यहाँ तो देवता भी चाकरी करते हैं। किनका बेटा है तू, कहाँ से आया? बोले, अंगद नाम बाल कर बेटा, कभी मिले हो कि नहीं? पहले तो दाएं बाएं करने लगा। अरे वो जो किष्किंधा के राजा बाली जी थे ना, जिन्होंने अपने कांख में तुझे 6 महीने दबा के रखा था। अच्छा, इस रावण को मालूम है कि बाली का वध राम जी के हाथ से हो चुका है, लेकिन जानबूझकर ऐसी भाषा बोलेगा कि अंगद जी के मन में राम जी के प्रति आक्रोश पैदा हो जाए। अच्छा अच्छा, तुम बाली जी के लड़के हो क्या? पहले क्यों नहीं बताया? वो तो मेरे बड़े खास मित्र हैं। आजकल क्या हाल है भैया? बहुत दिनों से मेरी भेंट नहीं हुई, तबीयत कैसी है? अंगद जी ने कहा, वो तो मालूम ना, 10 दिन के बाद तू ही जाके पता कर ली हूँ कैसी तबीयत। तो अंगद रावण ने कहा, अरे मूर्ख, बाप के हत्यारे का साथ दे रहा है, मेरा साथ दे, मैं तेरे पिता के वध का बदला। अंगद जी ने कहा, रावण बोलना नहीं, मार डालूंगा, एक शब्द बोला तो मार डाल। कुछ अश्लील भाषा बोली है रावण ने भगवान के लिए। अंगद जी ने दोनों भुजदंड ऐसे धरती में मारे। देखो, इन बानरों के मुक्के में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत, अंगद जी के भी मुक्के में और हनुमान जी के तो मुक्के का तो कोई ठिकाना ही नहीं। आप देखिए युद्ध में, आप देखेंगे कि हनुमान जी ने कभी गदा का प्रहार नहीं किया पूरे युद्ध में, मुष्ट प्रहार। हनुमान जी कैसा कहना चाहते हैं, दुर्गुण साधन से नहीं मिटते, संकल्प से मिटा करते हैं। साधना संकल्प से होती है, साधन से नहीं होती, और मुक्का संकल्प का प्रतीक। हनुमान जी के मुक्के से मेघनाथ बहुत डरता था, देखते ही रथ छोड़कर भाग जाता था। बार बार पचार हनुमाना, हनुमान जी के मुक्के का एक प्रकार से लंका में आतंक हो गया था। एक बार रावण को पता लगा कि इसका मुक्का बड़ा ताकतवर है, तो हनुमान जी को ये मिल गया युद्ध के समय अकेले में। तो रावण ने कहा कि मैंने सुना है कि, अरे बंदर, तू बॉक्सिंग का चेयरमैन है भारत का? बोले, नहीं चेयरमैन तो नहीं है, वैसे ही खेल कूद कर लेते। बोले, आ मेरा तेरा मुक्का युद्ध हो जाए, एक मुक्का मैं मारूंगा, एक मुक्का तू मारना, तो जो हार जाएगा वो गुलाम हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि विल वगैरह लिखे आया है वकील वगैरह के सामने, चाबी बाबी दे आया है कि नहीं घर पर सबको, है क्या बगता है? तो हनुमान ने कहा, अच्छा मार मुक्का। रावण, है मार मुक्का, तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, मार। हनुमान जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ मार। बोले, क्यों? तू मार पहले। हनुमान जी ने कहा, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ भैया कि तुझे मुक्का मारने की इच्छा हो रही है, तू मार ले, अगर मैंने पहले मार दिया तो तू मारने लायक रहेगा ही नहीं, फिर तो तेरे मन की मन में रह जाएगी। और रावण ने भी सोचा कि ऐसा ही ना हो जाए, कही ऐसा, तो रावण ने हनुमान जी को एक मुक्का चमाया। एक मुक्का लगते ही हनुमान जी घुटने के बल गिर गए। देखो, मोह का मुक्का अच्छे अच्छे संत को भी घुटने टिकवा देता है, लेकिन हनुमान जी सावधान हो गए भगवत नाम लेकर। अब हनुमान जी ने कहा, रावण जरा दक्ष में खड़ा हो जा ठीक से, और हाथ घुमा के जो हनुमान जी ने मुट्ठी का एक ताई कभी मारा, 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 परासैन जनु वज्र प्रहार, कर एक मुक्का मारा, ऐसा लगा जैसे पर्वत पर वज्र प्रहार हो गया, और रावण ऐसे गिरा औंधे मुंह,
और करीब 2 फरलांग तक घिसटता चला गया, 2 फरलांग तक, 2 फरलांग घिसटता चला गया। तो सब ब्लैक कैट कमांडो इसके साथ रहते थे, ये दौड़े, हनुमान जी दौड़े, ऐसे पड़ा हुआ है धरती। बहुत देर तक तो इंतजार करते रहे, करवट बदले, करवट बदले, अब वो तो मोह बेहोश हो गया। तो करवट कैसे बदले, अब रावण जैसा बलंकारी, तो एक पेड़ की तने काटे गए, मोटे मोटी पीड़ काटी गई और बल्ली के रूप में लगाई रावण को, ऐसे पलटा रावण ऐसे। अब हनुमान जी ने कान लगाया, इसकी नाक पे सांस चल रही है कि नहीं, हाथ लगाया सांस चले, कभी चलती है कभी बंद, कभी चलती है। हनुमान जी तो घबरा गए, भगवान बहुत डांटेंगे, भगवान कहेंगे यार मुझे मारना था, तू पहले गड़बड़ कर आया, वो तो मेरे हाथ से मरना था, अब तो भगवान बड़े डांटेंगे, क्या करूँ। बहुत तेरे पंखे से हवा वावा कर रहे हैं अपने दुपट्टे से, रावण जाग नहीं रहा है, तो क्या करें। तो हनुमान जी ने इसके जो रक्षक थे ब्लैक कैट कमांडो, उनसे पूछा, क्यों भैया इसको पहले भी कभी ऐसी मूर्छा आई है क्या? बोले हमने तो सब एक बार देखी थी। कब? बोले सहस्रार्जुन ने जब इसको पटकी मारी थी तब ये ऐसे ही मूर्छित हुआ था। तो वो जगा कैसे? बोले महाराज जूता सुंघाया गया था तब जागा। तो हनुमान जी ने अपने पैरों की ओर देखा तो खड़ाऊ पहने थे, अब जूता कहाँ से लाएं? तो कमांडो से बोले जूता उधर। अरे बोले सरकार मरवाओगे क्या, हम अपना जूता कैसे सुंघाएं? तो फिर रावण का ही जूता उतारा गया। तो हनुमान जी ने इसकी नाक पे 10 नाक थी इसी ना, 10 10 पर ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, बहुत देर हो गई वो जागे नहीं। तो कमांडो जो बोले सरकार ऐसे जूता सुंघाने से नहीं जागेगा, तो बोले गीता गीला करना पड़ेगा, गीले जूते से होता है इसकी दूरी गीला। अब पहाड़ पर गीला कहाँ से करे? बोले इसको गीला करके लाओ। अब बोले सरकार पहाड़ की चोटी है, अब हम गीला कहाँ से करें? बोले कहीं से करके लाओ। अब कैसे कर लाए हमको मालूम नहीं, पता नहीं कैसे कर लाए। थोड़ी दूर गए और वो कर लाए, और जैसे ही गीला जूता इसको सुंघाया तो रावण की मूर्छा छूटी। मूर्छा गई बहुरी सो जा, मूर्छा गई बहुरी सो जा, मूर्छा गई बहुरी सो जागा, मूर्छा गई बहुरी सो जागा, कभी बल की गुण सरा दूर हुई। रावण जागा, बंदर के बल का बखान करने लगा, मैंने बड़े बड़े वीर देखे लेकिन बानर तेरे जैसा कोई महावीर नहीं देखा। रावण कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता था, आज हनुमान जी की प्रशंसा करने के लिए रावण मजबूर हो गया। रावण प्रशंसा कर रहा है, हनुमान जी को नाचना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी रोने लगे, अपने को धिक्कार देने लगे। धीक, 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 मेरे संत के मुक्के के बाद भी मोह जीवित रह गया, लगता है भगवान की ही कृपा से मोह दूर होगा और किसी के वश की बात नहीं। तो अंगद जी ने मुक्का मारा, सब सभासद खिसल पड़े, रावण औंधे मुंह गिरा, सब मुकुट गिर गए, छीन झपट हुआ 6 रावण के हाथ में, 4 अंगद जी के। अंगद जी ने तो भगवान की ओर चला दिए, रावण ने 6 फिर खोपड़ी पर रख लिए। कितना सत्ता का भूखा व्यक्ति है, सिर 10 मुकुट 6, पूरे भारत की न मिले कुछ ही प्रांतों के मिल जाए। अंगद जी ने कहा रावण एक बात बता, तुझे जानकी जितनी प्रिय थी तो धनुष तोड़ कर क्यों नहीं लाया, चुरा कर क्यों लाया? एक कामी लोग बात बनाने में बड़े होशियार होते हैं। बोले गया तो था लेकिन वहां पता लगा कि धनुष तो मेरे गुरुजी का है। मैंने कहा शादी हो चारों, मैं गुरुजी का धनुष नहीं तोड़ूंगा, इसीलिए लौटे आए। अंगद जी ने कहा बड़ा गुरु भक्त बनता है, ले
मैं नया स्वयंवर आयोजित करता हूँ। औरंगजेब जी ने भगवान का नाम लेकर अपना दाहिना चरण रोक दिया, बोले मेरे पैर को तुम में से कोई हिला दे सीता जी को हार कर हम चले जाएंगे। रावण तो गदगद हो गया। रावण ने सेवकों को कहा इसका पैर उखाड़ो फेंको। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, सब डर के मारे चुप बैठे। एक दूसरे कह रहे तू चल, बोले तू न जा, बोले तू चल। सबको लग रहा है जैसे ही पैर पकड़ने को झुकेंगे ऐसा मुक्का देगा कि बिठाई देगा, उठने तो देगा। हजारों योद्धा एक साथ उठे लेकिन कोई हिला नहीं पा रहा है। तिल भर भूमि ले सकई छुड़ाई। अंत में जब रावण उतरा और रावण अंगद जी के कदमों में झुका तो अंगद जी ने कदम पीछे खिसका लिया और धिक्कार देकर कहा, रे रावण मेरे कदमों में सिर झुकाने से तेरा कल्याण नहीं होगा। जब भगवान के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना कर वही तेरा कल्याण करेंगे। और वकील को बुलाकर जो कुछ भी लिखत पढ़त करानी है वो करा ले, अब तेरा अंत समय आ गया। अंगद जी रावण को धिक्कार कर भगवान के चरणों में आ गए, सारी कथा सुनाई और कहा, भगवान युद्ध तो अवश्यम भावी है, बिना युद्ध के जानकी जी नहीं मिलेंगी। बुराई से समझौता करने से भक्ति नहीं आती, जीवन में से पहले बुराई मिटानी पड़ेगी, भक्ति का तब प्राकट्य होगा। अब यहाँ से युद्ध प्रारंभ होता है और युद्ध से लेकर रास्त लग तक का दर्शन कल प्रातःकाल ठीक 10 बजे, कल प्रातःकाल ठीक 10 बजे कथा में आइए। एक बार रात्रि वाली क्रिया करिए, हाथ उठाइए, आंखें बंद, ये सोते समय की जाती है पलंग पर बैठकर, आंखें बंद करिए, बंद आंखों से अंतरिक्ष में भगवान की मुस्कराती छवि का दर्शन करिए और मेरे साथ साथ बोलिए, रोज बोल रहे हो, हे प्रभो आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माथा टेकिए, प्रणाम करते, फिर दूसरी बार हाथ उठाइए, फिर दर्शन करिए, फिर बोलिए, हे प्रभो आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, प्रभो आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम कर, फिर माथा टेक। आज सौभाग्य से पूछ हटियोगी बाबा जी पधारे हैं, बड़ी कृपा की है, सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जय जयकार बोलिए, गंगा मैया की जय। अब सूचना सुनिए, आरती गाइए तब जाइए। मैं आदरणीय कल कथा सूचना, विशेष सूचना है, कल कथा प्रातः 10 बजे से, कल प्रातः 10 बजे से। मैं आदरणीय मनोज कुमार जी मेयर नगर निगम से निवेदन करूंगा, पूज्य बाबा हरजीत सिंह जी, पूज्य श्री हटियोगी जी का स्वागत करने के लिए, श्री मनोज जी, श्री हरजीत जी से भी निवेदन, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा, पूज्य संतों का स्वागत माननीय मेयर साहब द्वारा। आरती के लिए सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन, तन मन धन पूर्वक श्री राम कथा में सहयोग, पूज्य हटियोगी जी बाबा, परम पूज्य विजय कौशल जी का अभिनंदन स्वागत। कल को कथा का तो यहाँ विश्राम दिया जाएगा, मेरा सभी धार्मिक जनों से अनुरोध है कि इसमें अपना कल को आर्थिक सहयोग चाहे लिफाफे में रख कर लाएं, चाहे पीछे ऑफिस में अपनी रसीद कटवा दें और इसमें आर्थिक सहयोग आप देने का कष्ट करें, ये आप सभी से निवेदन है। मेरा संदीप जी जैन, मनोज जी गर्ग, इंद्र प्रकाश जी, सुनील अग्रवाल जी, राजा राम तेरी आरती उतारू, आरती उतारू मैं तो तरे मन वारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, कनक सिंहासन राजति जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सजा ले
हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य कौशल जी महाराज की जय। पूज्य सभी संत समाज की जय। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, पूज्य महाराज जी को खड़े खड़े ही प्रणाम करें, चरण स्पर्श करने की कोशिश ना करें।